मां शारदा को समर्पित करने के लिए बीजेपी विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी सहित अन्य जनप्रतिनिधि जूता पहनकर चूनर को ले गए। इस पर साधु संतों और कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है, इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है। मैहर के गौरव दिवस पर घंटाघर चौराहे से माता मंदिर तक चूनर यात्रा निकाली गई और फिर उसे माई को चढ़ाया गया, लेकिन इसमें विवाद शुरू हो गया। बीजेपी विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी सहित कई जनप्रतिनिधि जूता पहनकर चूनर को ले गए, जबकि चूनर यात्रा में देवी भक्त नंगे पैर ही थे। संत महात्माओं ने इस पर नाराजगी जाहिर की है, कहा है जो वस्तु माता को सौंपी जानी थी उसे नंगे पैर ले जाना था, यही शास्त्र कहते हैं। चूनर यात्रा में आस्थावान नंगे पांव थे और दिखावा कर रहे लोग जूते पहने थे। कांग्रेस पार्टी भी इस यात्रा पर सवाल उठा रही है और कह रही है ये आस्था और जन भावनाओं पर आघात है। पहली बात तो रोड जब जल से सींची गई तो रोड जल पवित्र कर दिया रोड को, रास्ते को। अब उसके बाद जूता चप्पल या हम कोई चीज उसमें शेष नहीं रह जाता। दूसरी चीज, जिस चूनर को हम माँ को समर्पित करने, जो सामान्य चूनर नहीं है, शारदा मैया को, आदिशक्ति को हम चूनर समर्पित करने जा रहे हैं, तो उस चूनर को जूता चप्पल पहन करके तो ये हमारा धर्म या हमारी भावना आस्था स्वीकार नहीं करती कि जूता चप्पल पहन करके हम उसको स्पर्श करें। और यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर श्रद्धा नहीं, प्रदर्शन है। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि समाज में ये मैसेज जाए कि हम उसको जो है दिखाएं कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को जीत रहे हैं। लेकिन इसके पहले हमें अपने आप को भी धार्मिक करना चाहिए, विचारधाराओं को। माँ शारदा के पवित्र धाम में इस तरह का जो आज जिला प्रशासन मैहर के द्वारा ये कृत्य किया गया है, ये हिंदू धर्म का, सनातन संस्कृति का अपमान है। माता को चढ़ने वाली चुनरी जूते पहनकर पकड़ना या उसको छूना, उसके पास जाना भी पाप है, ये कतई नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन और जो भी लोग इस तरह का ये कृत्य किए हैं, ये दोषी है, इनको सनातन धर्म एवं हिंदू समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। पूजा पाठ में अपने सनातन हिंदू धर्म में जूता चप्पल पहन करके पूजा करना, पूजा की वस्तु को भेंट करना, ये तो निषेध है, इसका पालन करना चाहिए, ये तो उचित नहीं है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।